समझा है। अच्छा, उसे बुला करके मेरे दरवाजे हाजिर। लेकिन पिताजी पानी किस करेवा पे मेरे महाराज ने बैठे थे। हाँ हाँ, एक सोने का खंभा दिया था और एक तो नगरिया दिया था, वो धौरे के ऊपर रखी हुई है। हाँ रखी है। और बहुत we'll be right back.
मंदिरा वही है सेठावन सेठावन जंगल है भैया बहन निकलता है सेठावन जंगल में ऐसी एक विचित्र झाति ढूंढ लो और सुझाति में मेरा कत्ल कर दो मेरे भाई ताकि मेरे मिट्टी की खराबी ना होने मेरे नेल और कलेजा निकालकर मेरी बहन सूरज के पास ले जाओ और मैं सारे अपने गहने को दे रही हूँ और मैं बहन परेशानी पे पहुँचो कहीं अच्छे स्थान पे पहुँचो सब तो कहने को दो लेकिन मेरे भैया पता मेरी बहन मैं तो चीज नहीं दे सकते हूँ अपने पिता चीज हम एक एक चुड़िया
क्या बात है? ये निर्दोष लड़की का कत्ल क्यों करने जा रहा? कौन? अरे इसको आदेश है। किसका आदेश है? अरे महाराज का आदेश है। अबे क्या लानो? हाँ कान खोल के सुन ले, ये निर्दोष लड़की है, इसका कत्ल तुमको नहीं करना है, हिरना के नहर करे निकाल करके। अच्छा, और अरे सोजा को जाकर के दिखाओ जाकर के। माँ दुर्गे? हाँ। आप कहाँ से बोल रहे हो? बात भाई मुझे खाता नहीं है। देखो हाँ कान खोल के सुन ले, मैं पहले बता दिया। अच्छा हाँ, नहीं करे हृदय निकाल ले जाकर के किसी जाति से मार करके। और देखो कौन आ रहा है? कहाँ? एक बोले उसी जगह जाओ। कहाँ रानी सोचा के दरबार की तरफ?
की कोई पता जता मुझे मालूम नहीं हुआ। आगे दो आगे का तब तब मुझे मैं बताऊंगी। उसी की चोरी है। किसकी? ये रानी मंझा वह जौन धौना पर काग हरा रही थी महारानी। वो रानी बहुत मजा उड़ा रहा है। मजा सब महारानी सुन सा ये सब काम आप ही की वजह से हो रहा है। अब हम लोग ना निकलेगा निकल के सती मंझा के आए हैं जो तुमने भेजा था। अरे बहन जिस वक्त उसके बच्चे का चला इतना चमक नहीं ठिकाना नहीं रह गया खून में सब समझ गई है। Thank you.
ये तो चोरी। हाँ सुहाग है ये उसी की। हाँ और नल गलजे है आखी दिखा दो हमारी रानी मंझा की हमारी पड़ जाएगी आत्मविश्वास। देखो बहन ये गलजा है ये कलेजा है तुम्हारी शब्द का। और क्या देखो नैन है इसमें नैन ये नैन है अरे आई सही कलेजे का वो पिता मंझा के नहीं है मंझा के है तो है।